मेरे पापा को समय पहले सजा मिली थी, मेरे अपनी आंखों से देखा उन्होंने मेरे अम्मी को चक्कू चक्कू मारा, पेट पे चक्कू मारा, गिरी नहीं तो सीने में चक्कू मार गया। अपने भाई से बोला कि इसे मार दे, मैं बकरे वाली छुरी लेके आ गई, इतनी लंबी हुई पतली वाली, पापा ने पापा नशे मुक्त ले जा रहे पापा से, पापा कह रहे इन्हें मार दियो, इन्हें मार दे, मेरी बीबी को समय पहले मार दियो लौटने को। नमस्कार, मैं हूँ आंचल मित्तल और आप देख रहे हैं तेज तरार, जहाँ दिखाई जाती है खबरें दिल्ली की। आज मैं मौजूद हूँ दिल्ली के नंद नगरी के सुंदर नगरी इलाके में, जहाँ पर एक महिला और उनके बच्चों को इतनी बेरहमी से पीटा जाता है, वो भी 7 लोगों द्वारा, कि उनकी जो है मौत हो जाती है। आइए इसी को लेकर उन्हीं की बेटी से जुड़ते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उन्हें इसका दर क्यों मारा गया और इसके पीछे की वजह क्या थी। मेरे अपनी आंखों से देखा, उन्होंने पहले मेरे भाई के चक्कू मारा, उनके लड़कों ने मेरे भाई के चक्कू मारा, पेट में मारा, वो गिरा नहीं तो उसके सीने के साइड मारा, वो पुलिस को बुलाने गया वक्त पर, और पड़ते मेरी अम्मी उतर के आई बचाने के लिए, पीछे से बड़े पापा है उनका हाथ पर टप्पू के बाद खींच लिया, चक्कू मार दे गए, मैं बचा रही उसका ने मेरा हाथ पकड़ लिया, तू यार कुछ नहीं आ रहा, कुछ आ रहा मेरे पापा कुछ नहीं आ रहा, मेरे अम्मी वो चक्कू मार देगा, मेरे अम्मी चिल्ला बचा लो, उन्होंने चक्कू मारा, पेट में मारा, फिर सीने में मारा क्या, और यहाँ पे गिर गया, मेरे में गले के भरा क्या, तो उन्होंने लात मारी, उनकी पेशाब की जगह लात मारी, उनके पेट के चक्कू पर लात मारी, मुझे बोला ताने में तू रह चाहिए करा, मेरा नाम लिखवा के तुझे भी मार दूंगा। पुलिस वाले ने चाड़े मारा, कह रहा तू निकलता पहले आ जा, उन्होंने मेरी अम्मी के चक्कू मार दे पेट में, चक्कू मार दे मेरे भाई को, मुस्कान निशा नेहा बागधरी बड़म्मी बड़े पापा चांद राहुल इन दोनों ने छोटा ने भाई को नाले में उजड़ रखा था, मुझसे सबसे पहले नाला को यहाँ मारा, उनको पकड़ के उनके मुँह में गूंजे गूंजे मारा, उनके सोच रहा पूरा बचा लो, मैं नहीं बचा पाई, ये मेरी गलती है, बचा पाई मेरा भाई, अभी तक उसे पता नहीं है, वो उसे उन्हें शर्म नहीं आई। आपके भाई कहाँ है इस वक्त?
मेरा भाई जो टीवी में है अस्पताल में है। ठीक है, पहले से ठीक है आपके भाई? पहले से ठीक, पता नहीं मुझे। मैं तो पूछ रहा है अम्मी का है। अम्मी का है, अम्मी का है, वो पूछ रहा है अम्मी को मन लग जाए। आपके पापा कहाँ हैं आपके? मेरे पापा नशा मुक्ति में, उन्हें भी सजा मिली चाहिए। उन्होंने क्या मेरे अम्मी को मार, मेरे बीबी को मार दिया, मेरे दम बुरा कर दिया। कोई नशा मुक्ति में बेचता है तो बुरा करता है, कोई नशा मुक्ति में नशा छुड़ाने में बेचता है तो इन्हें क्या ले रहा था मेरे पापा को? उन्होंने मेरे अम्मी को चक्कू चक्कू मारा है। कितने लोग आए थे कुल मारने? 7 जने थे। और पुलिस ने गिरफ्तार करा है किसी को? 3 जने को कराया, वो भाग गए। बड़े अम्मी उनकी उनकी औरत ने वो है ना सुखा के भेजा, उनके आगे चक्कू दिया, उनके आगे चक्कू दिया। पापा ने पापा नशा मुक्ति वाले ले जा रहे पापा से, पापा कह रहे इन्हें मार दियो, इन्हें मार दियो, मेरी बीबी को समय पहले मार दियो लौटने को। पापा ये कैसे गए? मेरे लोग कितने भाई बहन है? 5 बहन भाई है। मेरा भाई अभी पड़ा है वहाँ पे। मेरे पापा को समय पहले सजा मिली थी, उन्होंने बोला मेरे भाई से, अपने भाई से बोला कि इसे मार दे मेरी बीबी को। क्या टाइम हो रहा था उस वक्त? 11:30। हाँ 11:30 कल रात की बात? नहीं परसों रात की, शनिचर की दिन की बात थी। हम बैठे हुए आराम से, मैं अपनी अम्मी के सर अम्मी के गोद में सड़क के लेटी हुई थी। पापा है सामान तोड़े, सब कुछ तोड़ा, अम्मी ने कुछ नहीं किया। मेरी भाभी पियर गई हुई थी, मेरी भाभी का सामान तोड़ रहा सब कुछ, तो अम्मी सोच रही है, अम्मी कह रही क्या दूसरे के सामान दूसरी जगह लिखा है तो क्यों तोड़ रहा है? लड़ेगी हमसे आगे, वो बोलेंगे हमसे आगे, तो कुछ नहीं बोला, गाली बकने लग गए नीचे। इतनी गंदी गंदी गाली बक रहे हैं हमें भी अभी, तो अम्मी कह रही नशा मुक्ति में करवा देती हूँ उसे, नशा मुक्ति करवाऊँ। तो नशा मुक्ति वाले कह रहे हैं पहले कि तुम्हारे जेठ बहुत बोलते हैं, बीच में अड़ंगर। पापा उस वक्त नशा कर आए थे, दादा कर रहे थे, घर में बैठ गए, इसमें पी रहे थे और शराब पी रहे थे। बड़े पापा कह रहे हैं कि पीते नहीं है, उनकी कुंडी लगवा दी इन्होंने, क्या कुंडी लगा दे और ये निकल जाएगा। उन्होंने वहाँ जाके छोड़ गए मेरा भैया, दो मिनट की आया मेरा भैया, मेरे नाने ने क्या कि मैं देर में बकरे वाली छुरी लेके आ गई, इतनी लंबी हुई पतली वाली। वो नशा मुक्ति गए उसके बाद ही आ गए, 2 मिनट बाद बाहर निकल के आ गए। मेरे नाना नीचे गए, तुम्हारा क्या मैटर है? इसका आदमी से बंद करवा रहे, तुम्हारा क्या मैटर है? उन्हें भी मारा, थप्पड़ थप्पड़ मारा, उनका मुंह सूजा हुआ। फिर मेरी अम्मी ऊपर से उतर के आई है कि आप इन्हें क्यों मार रहे हो, मैं अपने आदमी को बंद करा रही हूँ। फिर उन्हें भी मारा, भाई ऊपर से उतर के आया, मेरी अम्मी को मारा ना, यहाँ से खींचे हटते हुए वहाँ तक मारा मेरी अम्मी ने, वहाँ रोड पे दम तोड़ा मेरा भाई कबूतर चौक पे तड़पा, मैं चाचा के दरवाजे पे गिरी, टांग में चीते डंडा मारा, मैं बचा नहीं जा रही, मेरे चीते चाटा मारा, मैं गिरी। मेरे भैया के डंडे डंडे मारे सर में, चक्कू के पीछे के साइड को उसको सर में मारे जा रहे, उसको नाली में फेंक दिया, उसे नाली में घुसेड़ दिया उसे, उसके मेरे भाई के सर में। आपके भाई की कितनी उम्र है? 21 साल का, नहीं छोटा वाला, हॉस्पिटल में है 21 साल का और छोटे वाला 14 का है। और आप? 17 साल की है। हमें इंसाफ चाहिए, पहले ही हमें इंसाफ चाहिए। हमारी मम्मी उनकी लड़की को मिलो, उनकी माँ को मिलो। मामी है कि कोई इतना भाई नहीं है, दो भाई थे, एक बहन थी बस। ये मेरे शौहर काम करके गए थे इनके घर से रात को 8:30 बजे, तो इनके पापा बोल रहे थे कि आज ही सब मरेंगे, कोई नहीं बचेगा आज ही। तो वो जब हेलमेट लेके नीचे आए तो वो कह रहे कि पता नहीं, जब जहांगीरपुरी पहुंचे वो कह रहे कि आज मेरे ना को बुरा सा लग रहा है, वो ऐसे बोल रहा है। तो इनकी बहन ने बोला कि भैया ये तो बोलता ही है, तू चला जा घर को, ठीक है। वो जाके वह 10 बजे घर पर पहुँचे जहांगीरपुरी, तो मुझे बता रहे कि ऐसे ऐसे बातें मिलती, वो तो पी के बोलती हैं, वो उनकी बात पर ध्यान मत दो। मैम रात को 12:30 बजे मेरे पास फ़ोन आया कि मामी ऐसे ऐसे मार रहे नाना को और अम्मी को, आप आ जाओ। मैंने कि मैं कैसे कह रही हूँ मम्मी, मोबाइल मेरे हाथों में, मेरी माँ का खून है, सारे लोग मार रहे, बचा लो आगे मेरे के बेटा, मैं कैसे। हाँ मुस्कान निशा राहुल चांद छोटे अक्तरी, इन सबको सजा मिलनी चाहिए, इन्होंने सजा नहीं मिली। मेरी माँ को मारा है, चक्कू से मारा, वो पेट पे चक्कू मारा, गिरी नहीं तो सीने में चक्कू मार गया, ऐसी भाई के साथ करा। एग्रीमेंट लगाती है, घर जाने वाली थी मैम 2 दिन बाद, किराए पे घर भी देख लिया था इन्होंने, ये घर के ऊपर इन्होंने ये सारा मैटर करा। प्लीज आप इनको इंसाफ दिलाइए मैम, आप देख रहे हो इनकी हालत, हम कुछ भी नहीं है, झुग्गी में रहते मैम हम लोग खुद ही, मेरे देवर किराए पे रहते, हम क्या करेंगे बताइए आप, कुछ भी नहीं है हमारे पास, हम क्या हेल्प कर सकते। तू आ जा,
हमारी तो ज्यादा जिंदगी खराब करा दी इन लोगों ने। वही थी बेचारी, हमारी माँ भी थी, बहन भी थी, जैसी भी थी अच्छी थी, वो आ भी जाती थी, कह रही भी मैं सोमवार को आऊंगी। मारने के बाद बड़ा पापा लात मारोगे, चुप कर ले जा, इस आपकी जगह लात मारी, तड़प तड़प की मारी, मेरे गोद में पड़ी थी, मेरे कपड़े खून में सने हुए, ऊपर रखे मैं खून में सने हुए थे कपड़े, मैं भीख मांग रही थी, मैं हाथ जोड़ दी, मैं कह रही प्लीज मेरी माँ को छोड़ दो, किस तरह तरह से दिखा, किस तरह तरह से दिखा, उनकी बहनों ने लड़के किसी ने मेरी तरह कहा मेरे बाप है, शुरू से यही आता है, गली वाले भी वो सात जनों को सजा मिलनी चाहिए, बस मैं इतनी चाहती हूँ। एक बार भी नहीं बोला तड़प रही थी, वो मेरे गोद में, मम्मी की कोई गलती भी नहीं थी ना, मुझे लगा बेहोश हो गई, मुझे लगा बेहोश हो गई, मुझे क्या पता मेरे गोद में तुम थोड़ा, मुझे कैसे हो गई, अपनी लड़कियों को लेके, तीनों को लेके, और तब भाग रही थी, मार रही थी यहाँ पे, जब ने देखा उसने मेरी माँ को माचा को मारा थी, मेरे में चिल्ला रही थी, अभी तक चीख गूंज रही है मेरी मम्मी की। कितने लोग गिरफ्तार हो चुके हैं? तीन हो गए। कौन कौन? चांद, राहुल और वो हारून, बड़े पापा नाम हारून नाम उनका, ठीक है, उन्हें भी लोहो नशा मुक्ति से उन्होंने ये कहा है, उनके चक्कर में हुआ है, उनका नाम इकराब है, उनके चक्कर में हुआ है ये सब कुछ, मेरी माची हारून बदराज का दादी है, उनके चक्कर में हुआ है। देखिए मृतक का नाम जो है वो जरीना बताया जा रहा है, और हम आपको बता दें कि उनकी बेटी से हमारी बात हुई है, जिन्होंने हमें बताया कि उनके भाई को पहले उनके ताऊजी ने मारना शुरू करा, वो भी चाकुओं से। इसके पीछे की वजह ये बताई गई है कि उनके पापा को जो है वो नशा मुक्ति केंद्र भेज दिया गया था, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा नशा कर रहे थे। इस बात पर जो है उनके ताऊजी आए और उनके भाई को मारना शुरू कर दिया, जिसके कारण जो है अभी वो अस्पताल में एडमिट है और वेंटिलेटर पर है। जिसके बाद उनकी माँ अपने बेटे को बचाने आई तो उनके ताऊजी ने उनकी माँ पर भी चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला शुरू कर दिया और बिल्कुल भी नहीं रुके। इस जगह पर जहाँ पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ, ये वही जगह है जहाँ पे इस पूरी वाकया को अंजाम दिया गया था। हम आपको बता दें उस वक्त समय जो है रात का 1 बज रहा था, जिस वक्त जो है इस पूरी वाकया ने अंजाम लिया। हम उनकी बेटी से जुड़े थे, उनका यही कहना है कि उनकी माँ जो है उनकी गोद में लेटी थी, फिर भी उनके ताऊजी उन्हें मारे जा रहे थे, जिसके बाद जब वो मर भी गई तो फिर भी उनके ऊपर जो है लातों से उन्हें मार रहे थे, जिसके बाद जो है उन्होंने अपनी जान गंवा दी। इस पूरे मामले में हम आपको बता दें पूरा मामला जो है नंद नगरी थाने में गया है, और पुलिस ने उन सातों में से 3 आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार भी कर लिया, और बाकी 4 जो हैं वो अभी फरार हो गए हैं। तो परिजनों की यही मांग है कि उन्हें जल्द से जल्द इंसाफ मिले। तो इसी के साथ आप भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इनके बच्चों को जो है वो इंसाफ मिले। हमने खुद देखा किस तरह से ये रो रहे थे, किस तरह से ये भिलक रहे थे। तो आप भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही इस पूरे मामले की जो भी आपकी राय है उसे लेकर हमारे साथ ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। कैमरा पर्सन जगजीत सिंह के साथ मैं आंचल मित्तल। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक।